ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। 24 फरवरी शुक्रवार का रीवा सिटी मोहनिया टनल के कुछ दूर भीषण हादसा सो यहाँ पर रहा। यह हादसा में जहाँ 15 लोगों की जान चली गई तब 50 से अधिक लोग घायल भी। कुछ घायलों के बहनों उपचार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बता दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे घटना में जो है दुख जाहिर कीन गया रहा। ट्वीट कही के जहां मुआवजा के राशि घोषित कीन गई रही तो वह मृतक के परिजन खातिर शोक संवेदना व्यक्त कीन गई। यह हादसा के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर का बता दें कि अब गिरफ्तार कर लीन गया है। ट्रक ड्राइवर का बता दें कि बहरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कीन गया है, जिसके बाद चुरहट पुलिस का सौंप दीन गया है। बताया जाता है कि ट्रक के पहिया जो है फट गया रहा और उसके कारण अनियंत्रित हुई कि ट्रक के द्वारा सड़क के किनारे खड़ी तीन बसन का एक एक कई ठोकर मारी गई रही, जिसके बाद ट्रक खुद पलट गया रहा। मौके से बता दें कि चालक कूद के फरार हो गया रहा, जिसका लगातार खोजबीन की जात रही और आखिरकार ट्रक चालक का पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कीन गई। बैतवंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभा चरण का प्रणाम कही थे शुरू कही थी बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा सीधी मोहनिया टनल से करीब 1 किलोमीटर दूरी ये भीषण हादसा के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर का गिरफ्तार कीन गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी ट्रक ड्राइवर श्यामलाल रावत का पकड़ा गया है। बता दें कि 24 फरवरी का सतना मां शबरी महोत्सव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बता दी कि रैली आयोजित की गई। रैली में आसपास के जिलों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे रहे और रैली बता दी कि 5 बजे खत्म होने के बाद कार्यक्रम 5 बजे खत्म हो रहा और जिसके बाद इस तमाम लोग घर जाते रहे। ये दौरान बता दी कि सीधी के चुरहट थाना क्षेत्र में रात करीब 9 बजे 3 बस जो है सड़क के किनारे खड़ी कीन गई टनल के पास। इनका जलपान करवावे की व्यवस्था कराई गई रही यात्रियों का। इस दौरान बता दी कि सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित हुई किया बस जहां एक के बाद एक कई के 3 बस इनका ठोकर मारी गई। 2 बस जहां खाई में गिरी तो 1 बस बता दी कि टनल हाईवे में पलट गए। वहां सीमेंट से लदा ट्रक हलाय पलट गया रहा। घटना के बाद ट्रक चालक कूद के मौके से फरार हो गया रहा। एक घटना में बता दी कि करीब 14 लोग काल के गाल में समाए गए रहे। 50 से अधिक लोग घायल भी रहे। 3 का बता दी कि इलाज खातिर दिल्ली में एयरलिफ्ट कीन गया है। बता दी कि पूरा घटनाक्रम टायर फटे के कारण भा। हादसा के बाद ट्रक के ड्राइवर ट्रक का छोड़ के कूद गया, जिसके बाद अब सीधी जिला के बहरी थाना पुलिस के द्वारा झोको गाँव से गिरफ्तार कीन गया है। आरोपी का चुरहट थाना के अंतर्गत मोहनिया चौकी पुलिस का सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।